बॉलीवुड एक्टर आमिर खान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस वक्त वे अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की में हैं। इस दौरान उन्होंने बीते रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमिन एदोरगन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद आमिर खान ट्रोल हो रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी आमिर को निशाने पर लिया है। ऐसे में कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आमिर खान कई स्तर पर अपने आप में देश को शामिल करते हैं। वो बहुत बड़े आइकॉन हैं। वो एक पाखंडी के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने कई लोगों को दुख पहुंचाया है और अपने इस कार्य पर उन्हें सफाई देनी चाहिए। कंगना ने एक और ट्वीट करके आमिर के पुराने बयान को लेकर तंज कसा है और लिखा है कि आमिर ने अपने बयान में कहा था कि वे हिंदुत्व को थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को पूरी सख्ती के साथ इस्लाम फॉलो करने की नसीहत देंगे। बता दें कि एक्ट्रेस की टीम ने इस बयान वाली खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, हिंदू प्लस मुस्लिम इक्वल टू मुस्लिम, ये तो कट्टरपंथी है। दो अलग अलग धर्म में शादी करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जीन्स और तौर तरीके का ही मिलन होगा। दूसरे धर्म में शादी करने का मतलब ये होता है कि दो धर्मों का भी मिलन होगा, उनका आपस में मिलाप होगा। बच्चों को अल्लाह की इबादत भी सिखाइए और श्री कृष्ण की भक्ति भी, यही धर्म निरपेक्षता है ना आमिर खान। इसके बाद कंगना रनौत की टीम ने एक और ट्वीट में लिखा, आप तो सबसे ज्यादा सहिष्णु थे, आप कब से हिंदुत्व के लिए असहिष्णु हो गए? हिंदू माताओं की संतानें जिनकी रगों में श्री कृष्ण और श्री राम का खून बह रहा है, सनातन धर्म, भारतीय सभ्यता, यहाँ की संस्कृति जिनकी धरोहर है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को फॉलो करेंगे, ऐसा क्यों? बता दें कि आमिर खान इससे पहले अक्सर ही कट्टर हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। आमिर खान के असहिष्णुता से जुड़े बयान ने देश भर में बवाल करवा दिया था। फिल्म पीके को लेकर भी हिंदूवादी संगठनों ने उन पर खूब हल्ला बोला था।